हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रैपर क्लासेस इन जावा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो कि हमारे इस टाइप से कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बूलियन। तो इन एट प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लासेज हैं वो हमारी क्या होती हैं, ये रैपर क्लासेस। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बूलियन, ये हमारी क्या है, रैपर क्लासेस हैं। तो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा, ये जो कैरेक्टर है और बाइट है, सारी हैं हमारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है ये लोअर केस में है, और यहाँ पर जो शॉर्ट है इसका एस कैपिटल कैपिटल लेटर में। तो ये दोनों क्या है हमारे, डिफरेंट है। ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये हमारा क्या है, रैपर क्लास। बिकॉज जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो दोनों के दोनों क्या है ये हमारा, आप ध्यान रखेंगे इसका। अगर आप एस कैपिटल कर देंगे तो आपकी रैपर क्लास हो जाएगी, और इधर एस स्मॉल केस केस में स्मॉल केस में होगा तो आपका ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा। तो अभी समझते हैं कि हमारी रैपर क्लास क्या है और अच्छे से। सो ए रैपर क्लास इज ए क्लास हूज ऑब्जेक्ट रैप्स ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बेसिकली आपका जो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, कंटेन करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को। और आपकी जो रैपर क्लासेस हैं ये किस पैकेज के अंदर अवेलेबल, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो आपको इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है आपके प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड रैपर क्लासेस इन जावा। तो हमें रैपर क्लासेस की नीड क्यों है जावा में, तभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कलेक्शन का। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आप जब आप कोर जावा पढ़ेंगे तो उधर आपको ये कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना होगा, और आप वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ रैपर क्लासेस। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जो आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रोसेस नहीं करता है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है। इसलिए क्या है, हम रैपर क्लास की हेल्प से अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन हम उसको कलेक्शन में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जेनरिक्स में एंड अदर एपीआईज लाइक सर्वलेट में भी रैपर क्लास का यूज कर सकते हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं नंबर क्लास की। सो नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हूज सब क्लासेस आर बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। और आपकी जो नंबर क्लास है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एंड साथ ही साथ हमारी जो नंबर क्लासेस के अंदर बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट एंड डबल वैल्यू हमारे कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं। ये क्या करते हैं, सो बाइट वैल्यू क्या करता है, कन्वर्ट्स कॉलिंग ऑब्जेक्ट इंटू बाइट वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से शॉर्ट वैल्यू ये ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में कन्वर्ट करेगा, एंड इंट वैल्यू क्या करेगा, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को इंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, एंड लॉन्ग वैल्यू आपका जो मेथड है ये क्या करेगा, एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट को, लॉन्ग क्लास का ऑब्जेक्ट को लॉन्ग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इन इन मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये रैपर क्लास का देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, विंडो आर सी एम डी पर जाएंगे और क्या करेंगे, आप जावा पी लिखेंगे एंड जावा डॉट लैंग डॉट क्या था नंबर, आप इस तरीके से लिखेंगे नंबर। तो ये क्या करेगा, आपको इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बता देगा। तो अगर आप देखेंगे ये कंपाइल फ्रॉम नंबर डॉट जावा, आपकी जो नंबर डॉट जावा है उससे कंपाइल होकर आपको ये दिख रहा है, दिखा रहा है। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, देखिए मैंने बताया था आपको नंबर क्लास का एब्स्ट्रैक्ट, तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट जावा डॉट लैंग डॉट नंबर, यानी कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपकी नंबर क्लास अवेलेबल है। इंप्लीमेंट करती है किसको, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। आप इसके अंदर देखेंगे एक क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है नंबर क्लास का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। साथ ही आप इसके अंदर देख सकते हैं एक मेथड है, ये मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इंट वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपके लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, बाइट वैल्यू एंड शॉर्ट वैल्यू। तो इस क्लास के अंदर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेथड्स अवेलेबल है। तो हमारी नंबर क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब जितनी भी क्लासेज हैं अभी हमने इधर देखा कि नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हूज सब क्लासेज आर क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इसकी सब क्लासेस हैं। तो जितनी भी सब क्लासेस होंगी उन सब के अंदर क्या होगा, ये मेथड्स अवेलेबल होंगे। तो हम अगली अगली वीडियो में क्या करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम किसी भी क्लास, एक सबसे पहली कोई भी क्लास पिक करके उस पर प्रोग्राम
बनाएंगे ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।